अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जी हम जा रहे थे दुबई देरा सिटी सेंटर ग्रॉसरी के लिए। नॉर्मली ग्रॉसरी मैं शारजा सिटी सेंटर के कैरीफोर्ट से करती हूँ, लेकिन आज मूड था कि दुबई चले जाएं। कभी कभी मूड हो तो दुबई भी आ जाते हैं। इधर भी सिटी सेंटर में कैरीफोर है तो ग्रॉसरी मैं उधर से ही करती हूँ। ये हम जी पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये है जी इसका मेन। इधर से अभी आपको मैं दिखाती हूँ। यूएई के मॉल इतने बड़े हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी मॉल मैंने कंप्लीट विज़िट किया होगा। 4-5 घंटे तो आराम से ऐसे ही गुजर जाते हैं एक प्लेस को ही विज़िट करके, दूसरी साइड पे तो जाया ही नहीं जाता। ये देखिए कितना बड़ा है ये। ये तो अभी मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ी हूँ। तो चलें जी कैरीफोर में चलते हैं और ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं। ये जी कैरीफोर में हम एंटर हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे से इन्होंने इसकी एंट्रेंस डेकोरेट की हुई है। ये जो वाइट बियर आपको नज़र आ रहा है, इसकी प्राइस ऑफर में 2,000 दिरहम है। राउंड अबाउट पाकिस्तानी ये 84-85,000 का बनता है। आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या खास बात है। डॉल को जी एनिमल से इतना प्यार है कि मेरे पीछे पड़ गई थी कि मामा ये मुझे लेके दें। ये जी इधर स्नोमैन भी इन्होंने काफ़ी बनाए हुए हैं एज ए टॉय शो पीस वगैरह। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये चॉकलेट सी, हर किस्म की चॉकलेट आपको इधर मिलती है। ये मुझे एक ग्रिल पैन लेना था लेकिन ये मैंने नहीं लिया क्योंकि काफ़ी प्राइस थी इसकी इधर। और मुझे किचन में वीडियो के लिए कुछ क्रॉकरी चाहिए थी, वो मैं देख रही थी। ग्रॉसरी नॉर्मली हम वीकली कर रहे होते हैं लेकिन मेरे ख्याल में मंथली करनी चाहिए क्योंकि वीकली ग्रॉसरी से ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ना भी ज़रूरत हो तो ऑफ़र देख के ले लेते हैं, बट हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो वीकली लेने होते हैं। ये है जी टॉयज सेक्शन है। बच्चे यहाँ काफ़ी हैप्पी फील करते हैं और मुझे ग्रॉसरी में ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहे होते और फुल टाइम इधर प्ले कर रही होती हैं। जब बिल करवाना होता है तो हम उनको बुला लेते हैं, नहीं तो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड देख ले तो वो इनको अपने पास भी बिठा लेते हैं कि ये अकेले कहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो करेक्टर्स हैं ये बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जी पैम्पर जो है मैं रुहाब के लिए फ़ाइन बेबी यूज़ करती हूँ, काफ़ी इकोनॉमिक है और अच्छा भी है। सोप जो हम डव यूज़ करते हैं लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने कोई कार्टून देख लिए थे जी, कह रहे थे मामा लाइफ बॉय लेना है। उनको ये था कि पता नहीं सारी पावर जो है वो लाइफ बॉय में ही है। ये है जी फैब्रिक सॉफ्टनर है। नॉर्मली ये 2 लीटर की बॉटल 15 दिरहम की आती है, बट ये 5 दिरहम का लगा हुआ था तो मैंने कहा चलो फ़ायदा उठाएं। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये मिली जी, ओमो सरफ मैं यूज़ करती हूँ। नॉर्मली ये जो है 7 kg 5860 का होता है, बट इस दिन ये मुझे 30 दिरहम का मिल गया था 7 kg। हार्पिक भी इधर काफ़ी सस्ता लगा हुआ था। और किनोर का टमाटो केचप पहले नहीं आता था, ये फर्स्ट टाइम ही आया था तो बाय वन गेट वन था, तो मैंने ये भी ट्राई किया। वरना मैं अमेरिकन ब्रांड का जो केचप है वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली सॉसेज जो हैं हम ये अमेरिकन यूज़ करते हैं। ये है जी सैलेड के लिए ड्रेसिंग है, मस्टर्ड पेस्ट वगैरह कुछ भी हो वो मैं अमेरिकन ही यूज़ करती हूँ। ये नूडल्स थी, बच्चों के लिए फौरन रेडी हो जाती हैं। अगर गर्म पानी इसमें डालें बॉयल करके तो 2-3 मिनट में ही ये रेडी हो जाती हैं। ये कुछ जंक फूड है। ये है बेकरी है जी। फ्रेश चीज़ें इधर मिल रही होती हैं ऑन द स्पॉट, इधर सब कुछ बेक हो रहा होता है। लेकिन इसका हम फिर किसी दिन विज़िट करेंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर एक पोर्शन की भी थोड़ी डिटेल से वीडियो बनाने लगे तो उसमें ही 10-15 मिनट की वीडियो बन जाती है।
ये देखें जी, ये चॉकलेट का पैकेट 79 दिरम का था, जो उस दिन 15 दिरम का मिल गया था। नॉर्मली ऑफ़र हर वीकेंड पे तो नहीं लगी होती, लेकिन ये होता है कि ईद है या रमज़ान या कोई इंडियन डे होता है, जैसे दिवाली वगैरह, इस तरह के कुछ ना कुछ जो है डेज़ के ऊपर ऑफ़र्स नॉर्मली लगी होती हैं। ये जी कुछ डार्क चॉकलेट चाहिए था केक बनाने के लिए। हाँ, यहाँ आपको हर किस्म की पत्ती मिलेगी, जो है टी बैग, जिंजर, मिंट्स और भी काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं। अगर वेट लॉस के लिए है तो आप जिंजर टी बैग ले सकते हैं, लेमन फ्लेवर भी है, लेकिन मैं तो खैर ब्लैक टी ही यूज़ करती हूँ। ग्रीन टी के अलावा भी और बहुत से फ्लेवर्स हैं। ये हैं जी ओट्स ब्रेकफास्ट के लिए। ये जी पीडियाश्योर मैं लेती हूँ रुहाब के लिए, 2 इयर्स प्लस का है। ये जी मिल्क में इसको डाल के देती है, इसमें हनी फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। ये कंफर्ट जो है इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। ये हैंड वॉश जो कपड़े होते हैं उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें काफ़ी ब्रांड है जी। क्लोरेक्स मैं लूँगी ये फ्लोर और वॉशरूम वगैरह के लिए। तो ये सब जो है जी बिस्किट की वैरायटी है। अब मैं देख रही हूँ राइस, राइस की भी आपको यहाँ बहुत सी किस्में मिलेंगी। मैंने काफ़ी ट्राई किए हैं, तो उसके बाद जो हैं जी मुझे कौन से अच्छे लगते हैं वो देखते हैं। ये देखिए कितनी किस्मों के यहाँ राइस हैं। ये है जी प्राइड ऑफ इंडिया है, ट्रिपल एक्सल, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ये भी ट्रिपल एक्सल है और बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। मतलब जब पका रहे हो तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही होती है। और भी यहाँ काफ़ी किस्म के आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान बेस्ट है। ये जी बटर चाहिए था मुझे, कुछ ब्रेकफास्ट में भी ये काम आता है, और केक वगैरह के लिए मुझे चाहिए था। और चीज़ चाहिए थी कुछ पिज़्ज़ा और सैंडविच वगैरह में जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये मैंने 500 ग्राम का पैकेट लिया था, ये भी ऑफ़र में ही था। नॉर्मली ये भी 9-10 दिरहम का मिल जाता है। ये हैं जी फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर फ्रेश ही यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन जैसा कि सीज़न नहीं होता, स्ट्रॉबेरी थोड़ी देर के लिए ही आती है, तो फिर ये ले लेते हैं मिल्क शेक के लिए। या जो है मटर भी मैं अमेरिकन मटर ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश मटर इधर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये फिर मतलब इजीली यूज़ भी हो जाते हैं और टाइम भी सेव हो जाता है। ये हैं जी फ्रेश वेजिटेबल्स, और ये है मेरी मोस्ट फेवरेट करेले। ये देखिए कितने ज़बरदस्त करेले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये हो तकरीबन है 16 दिरहम के जी। भिंडी जो है, भिंडी तो मैं लेती नहीं हूँ यहाँ से, भिंडी नॉर्मली अब्बू पाकिस्तान से आए तो अम्मी मेरे लिए फ्राई करके भेज देती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता होता। ये देखिए कितने खूबसूरत लेमन है, और फ्रूट्स भी जो हैं काफ़ी किस्म का होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस तरह, लेकिन ऑरेंज जो हैं हम लोग पाकिस्तानी ही लेते हैं। ये है जी ग्रेप फ्रूट है, ये भी किसी और कंट्री का ही है, पाकिस्तान का नहीं है। ये हैं जी बच्चों की मोस्ट फेवरेट स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज। आप जी बच्चे काफ़ी टायर्ड हो गए थे और ज़िद भी कर रहे थे कि चलें और हमें कुछ खिलाएं। कुछ खिलाएं से मतलब होता है कि हमें KFC खिलाएं, तो ड्राई फ्रूट का पोर्शन अभी रहता था। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो चलें जी चलते हैं अब KFC।
Firstly, we came to KFC and I'm so hungry. I love KFC and see, we buy curry for a tomato ketchup. You will take with us. Let's eat KFC. Baba, please come. I can't wait to eat KFC. Don't take this. ये जी इधर जो है ना केएफसी वाले केचप बहुत कम देते हैं, सस्ते देते हैं, साथ में पता नहीं क्या व्हाट दे गिव अस अ स्मॉल वन सस्ते तो हम लोग जब भी केएफसी आती है ना तो अपना केचप साथ लेके आते हैं क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा केचप चाहिए होता है खाने के साथ, मींस कि केएफसी के साथ, तो फिर हम जब भी आती हैं अपना केचप साथ लेके आते हैं। If you like this video, subscribe to our channel, like and share too. Bye. I'm sorry. This is my mom. Oh, this is my last one. No, what do you like here, Sue? I like all this. Yes. चलें जी, आज की ग्रॉसरी तो हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ जी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी, और अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।